और अब कसम संविधान की। जी न्यूज पर ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। खबर वही है जिस पर आज दिन भर से सबकी नजर है। 2024 के लिए बीजेपी ने एनडीए को बड़ा आकार दे दिया है, तो वहीं 26 विपक्षी दलों ने भी मिलकर इंडिया अलायंस बना लिया है। यहां सबसे पहले मैं इन पार्टियों को नोट करा दूं कि उनके इंडिया अलायंस का सही नाम इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन 26 पार्टियों के ही कई नेता डेवलपमेंटल की जगह डेमोक्रेटिक शब्द यूज कर रहे हैं, कृपया इसे दुरुस्त कर लें। कई लोगों के ट्वीट है, नाम नहीं लूंगा, जो 26 पार्टियों का इंडिया अलायंस पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को चुनौती देने के लिए तैयार है। दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए की बैठक चल रही है। अब से थोड़ी देर में पीएम इसे संबोधित करेंगे, तो हम आपको वहां भी ले चलेंगे। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि विपक्ष जैसा भी गठबंधन बना ले, जो भी नाम रख ले, लेकिन उसके नसीब नहीं बदलेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता, हम भारत के लिए काम करते रहेंगे, भारत हमारे ही साथ है। वहीं इंडिया अलायंस ने साफ कर दिया कि मोदी के सामने कोई पीएम कैंडिडेट नहीं उतारेगा, पीएम का फैसला चुनाव के बाद होगा। अगली यानी तीसरी बैठक मुंबई में होगी, उसमें आगे की प्लानिंग की जाएगी। लेकिन नए नवेले इंडिया अलायंस में से कुछ खटपट का भी अंदेशा है। ऐसे खबरें हैं कि आज बैठक के बाद कांग्रेस के फ्रंट फुट पर खेलने और सोनिया गांधी का चेहरा आगे करने पर नीतीश कुमार शादी के फूफा जैसे हो गए, उन्हें पीछे धकेल दिया गया, उनके ब्लूप्रिंट को तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद नीतीश कुमार बैठक खत्म होते ही बिहार रवाना हो गए। बैठक के तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन नीतीश और लालू उसमें नहीं आए, तुरंत बिहार निकल गए। नीतीश ने ही दौड़ दौड़ कर सबको इकट्ठा किया था। वैसे बेंगलुरु में उनकी आज की सुबह भी खराब हुई। शहर में पोस्टर लगे हुए थे कि जो नेता होता है उसका इस बैठक में क्या काम, तो सारी उठापटक पर बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि मोदी की इस इंडिया अलायंस पर क्या प्लान है। बीस लाख करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की गारंटी देने वाली ये लोग बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से आपस में मिल रहे हैं। बहुत से टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो पूरे टुकड़ों को जोड़ने का काम मोदी जी अब कर रहे हैं। ही इज डूइंग इट नाउ। ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है, देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है, ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। आया ना विकल्प, 10 साल सरकार चली ना डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस तरीके की स्थिति में विकल्प जरूर उभर कर आएगा चुनाव के बाद। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। ये लोग गा कुछ और रहे हैं, हाल कुछ और है, इन्होंने लेबल कुछ और लगाया हुआ है, माल कुछ और है। सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसके लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया। जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है कहने की जरूरत भी नहीं। नफरत है, घोटाले है, तुष्टिकरण है, मनकाले है, परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले हैं। तो
सबसे पहले चलते हैं एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है अशोका होटल के अंदर, और वहीं पे चलते हैं सीधे। मेरे सहयोगी रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी देर में पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ेगा। प्रियंका कक्कड़ जी आपकी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई है। साधना भारती जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस की मेरे साथ जुड़ गई है। मेरे साथ शिवम त्यागी थोड़ी देर में बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे, और एके वाजपेयी साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के स्पोक्स पर्सन मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन रविंद्र सबसे पहले अभी तक क्या हुआ इतनी देर के दौरान इस बैठक के अंदर, थोड़ा बताइए। देखिए दीपक जी, यहाँ पर जो 38 दल है उसमें से 22 जो नेता थे उनको बोलने का मौका दिया गया था, जिसमें जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें से 20 लोगों ने अपनी बातें रख दी है। उसमें अगर कहा जाए तो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार लबोलुहावा यही था कि उनका कहना था कि 48 में से हम 45 सीटें जीतेंगे, हम और बीजेपी तीनों मिलकर साथ लड़ेंगे और 45 सीटें 2024 में चुनाव लड़कर जीत कर दिखाएंगे। उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के जो नेफरू थे उन्होंने भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी सीटें हैं वो हम सब जीत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डालेंगे। तो यही बात है कि जितने भी दल इसमें हैं, चाहे वो बिहार के उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सब ने यही कहा कि बिहार में भी हम एकजुट होकर नीतीश कुमार और लालू यादव को पटकनी देंगे। तो सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से बातें कही है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की बातें भी कही है। अब से थोड़ी देर बाद ही लगभग 8:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए को संबोधित करेंगे और यह लाइव होगा। आपके जरिए हमारे पूरे देश के लोग भी इस प्रधानमंत्री के इस भाषण को देखेंगे। लेकिन एक बात और मैं जल्दी से बता दूं दीपक जी, एक आंकड़ा है कि 2004 में 182 सीटें थी बीजेपी की, 90 से ज्यादा लोकसभा सांसद हार गए थे, 50 नए सांसद जीते थे उस समय, यानी सांसदों के खिलाफ भी उस समय काफी गुस्सा था। मौजूदा सांसद हारे, नए चेहरे दिए गए थे तो वो जीत गए थे 140 के आसपास, उसमें सीटें थी लेकिन यूपीए की ज्यादा थी, वो सरकार बना ली उसी। लेकिन अब ये दौर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का, और यहाँ पर सांसदों के परफॉर्मेंस की हर समय सर्वे होती है और कैंची की तरह उनका परफॉर्मेंस खराब है तो सीटों पर नए उम्मीदवार को उतार दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सांसदों के एक जो एंटी इनकमेंसी वो खत्म होगा। एक बात और है, 2019 में लगभग 225 ऐसी सीटें थी जो बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोटर्स जीती थी, उसमें 120 से ज्यादा सीटें कांग्रेस को हराई थी 50% अधिक वोट लेकर। अब कोई कहेगा कि 2019 और 2024 में अंतर है, लेकिन 2019 और 2014 में देखें तो इसमें से 130 ही सीटें थी जो 50% से ज्यादा वोटों से जीती थी बीजेपी, यानी 14 से 19 में सीटों का आंकड़ा बढ़ा, वोट परसेंटेज बढ़ा, और 19 से यही उम्मीद कर रही है बीजेपी की ये जो एनडीए की बैठक चल रही है, इन सब के जरिए सभी समीकरणों के जरिए ये आंकड़ा और बढ़ाएंगे और वोटों का प्रतिशत 50 से 55 करेंगे और सीटों की संख्या भी 350 के आसपास लेकर जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अब से थोड़ी देर बाद, जो इंडिया की पूरी तरह से व्याख्या भी करेंगे कि मोदी सरकार में एनडीए सरकार में इंडिया क्या है, भारत क्या है, हिंदुस्तान क्या है, और यूपीए या फिर जो इंडिया बना है अपोजिशन में उसकी क्या भूमिका हो सकती है और अभी तक उन दलों की क्या भूमिका रही है यहाँ के विकास में या अन्य मसलों पर। रविंद्र एक बात जानना चाहूंगा, अभी अभी हेमंता विश्व शर्मा ने एक ट्वीट किया मैंने देखा कि भाई ये इंडिया तो नाम अंग्रेज रखे गए थे, हमारा नाम तो पुराना जो है भारत है, सनातनी भारत के हम लोग हैं, तो क्या ये भी एक नैरेटिव हो सकता है? क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा ने तो बता दिया भाई ये इंडिया की बात करें, भारत की बात करेंगे जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर उड़ीसा तक और बाकी पूरे इलाके तक सब एक है। दीपक जी शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश होगा जिसके तीन तीन नाम हो, दो दो नाम हो कम से कम, वो भी संविधान में, इंडिया भी है और भारत भी है। हर का आप देखिए, चाहे पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सबका एक ही नाम होता है, लेकिन जब बंटवारा हुआ, संविधान बना, उस समय अब क्या दबाव था ये तो अलग मुद्दा है, लेकिन दो नाम है इंडिया और भारत, और हर समय ये डिवीजन रहता है कि इंडिया की सोच अलग है जो मानने वाले हैं और भारत की सोच अलग है। और बीजेपी या एनडीए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार सार्वजनिक तौर पर कहें कि हमारी सोच भारत की है, जैसा कि हेमंत विश्व शर्मा ने कहा हमारी सनातन सोच है, हमारी परंपरा है, यहाँ जय श्री राम भी होता है, यहाँ पर सबका साथ सबका विकास भी होता है, तो कहीं ना कहीं यही मुद्दा रहेगा कि हम भारत की बात करेंगे, वो इंडिया की बात करेंगे अपोजिशन वाले, और वो इंडिया होगी जो भारत देश को मानता नहीं है, यहाँ के सुरक्षा बलों पर सवाल उठाता है, यहाँ के विकास पर उठाता है, यहाँ पर जो अपोजिशन ने कहा कि सब कुछ बेच दिया, यहाँ पर इसरो की बात प्रधानमंत्री करेंगे कि हमने बेचा नहीं, हमने गर्व से भारत को चंद्रमा तक पहुंचाया है, समुद्र में स्कॉर्पियन लाए हैं, अपोजिशन के जो विरोधी जो दूसरे देश है उनको मात देने के लिए, कहीं ना कहीं भारत की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैसा कि हेमंत विश्व शर्मा, और इनकी सोच वही है जो सदियों पुरानी हमारी सोच रही है। और रविंद्र एक दिलचस्प संयोग बनाता हूं, 2004 आपने भी देखा है, 2004 मैंने भी देखा है, 2003 में बीजेपी ने एक नारा दिया था शाइनिंग इंडिया,
और कांग्रेस ये कहती थी शाइनिंग इंडिया के कारण ही हार गई, पूरे भारत ने हमको वोट दे दिया, अब ये इंडिया चला गया है विपक्ष के खाते में, क्या कहेंगे? अब बिल्कुल देखिए, उसमें शाइनिंग इंडिया एक्चुअली में कहा जाता है कि उसमें सड़कों का निर्माण जो हुआ है, लेकिन वो शाइनिंग इंडिया शायद लोगों की समझ में नहीं आया, ऐसा बीजेपी के नेताओं का मानना है। इसलिए शाइनिंग इंडिया या चमकता भारत से 2019 में आपने देखा कि ऐसे नारे से बचा गया बीजेपी द्वारा और एनडीए द्वारा उस समय, तो सीधे तौर पर कहा जाता है कि हम जो विकास कर रहे हैं वो जमीन पर कर रहे हैं, गांव, गरीब, शोषित वर्ग, अब वंचित, किसान और मजदूरों की बात कर रहे हैं, यहाँ कोई शाइनिंग इंडिया की बात या चमकता भारत की बात नहीं करते। यहाँ कहा जा रहा है कि विश्व गुरु हम बनाएंगे, विश्व गुरु कैसे बनाएंगे, जो हमारे सदियों पुराने भारत की एक भूमिका रही है विश्व में, सनातन परंपरा रही है, कोई शाइनिंग इंडिया के बात या चमकता भारत की बात नहीं करते, बल्कि कहते हैं कि भारत का नाम दुनिया में हुआ है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व में जाते हैं और जिस तरह से लोग, विश्व के लोग भारत के प्रति एक नई सोच बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं चमकता भारत शाइनिंग इंडिया से परहेज कर रहे हैं और किसी तरह से भी ये नहीं दिखाने की कोशिश कर रहे कि हमारी जो सोच है वो कुछ खास उद्योगपतियों की है, जो कि लेबर लगाने की कोशिश अपोजिशन द्वारा, खासकर राहुल गांधी द्वारा की गई है। और प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम जो है वो वंचितों की बात है, और दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच है, जो समाज के जो अंतिम जो लाइन में जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसका विकास कैसे, ये हमारी सोच है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल 2004 की जो सबक है वो 2014 में 2019 में मिली गई और 2024 में भी उससे परहेज किया जाएगा। और इंडिया नाम तो अब सीधे पड़ गया है नए अलायंस का, विपक्ष का नया अलायंस। सीधे अपने पहल को खोलता हूँ, शिवम त्यागी नेशनल स्पोक्स पर्सन बीजेपी के, प्रियंका कक्कड़ जी स्पोक्स पर्सन आप पार्टी की, साधना भाटी जी स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की, और एके वाजपेयी साहब स्पोक्स पर्सन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। देखिए सर, वो कहता है ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आज रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी ने आज वो रेस जीत ली। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले शिवम त्यागी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिवम त्यागी जी, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो ये क्या है इंडिया? आप तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे क्योंकि एनडीए कैन नॉट डिफीट इंडिया। आई एग्री, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये इंडिया आपने बताया, इसको कहते क्या है हिंदी में, मुझे अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, मेरे महोदय मेरा टाइम भी उनको दे दीजिए, क्या नाम है इसका? भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशित संगठन। अच्छा, आपको पता है, समझ में आ गया, बेहतर की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे चीज बताइए, अब आप मुझे चीज बताइए जरा, एनडीए वर्सेस इंडिया आपने कहा दीपक जी, आप एक चीज बताइए, इंडिया आज इनको इंडिया याद आ रहा है, मतलब हिपोक्रेसी देखिए, जाकर के विदेश में ये कहते थे दैट इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये कैम्ब्रिज में बयान है इनकी पार्टी के नेता के, आज ये इंडिया बता रहे हैं, इतनी हिपोक्रेसी, मतलब आप कहां से कहां पहुंच गए, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना डबल फेस्ड पार्टी। और अब आगे आते हैं, जहां तक बात एनडीए वर्सेस इंडिया की है, मैं कहता हूं ये भारत है और देखा है इस देश ने, ये जो इंडिया का नाम लेकर आए हैं इनको भी देखा है, इस देश की हर एक सुरक्षा व्यवस्था पर, इस देश के अपमान को लेकर, इस सारी दुनिया में जाकर देश की बदनामी करने से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने से लेकर, यहां पर जो प्रवक्ता बैठे हैं वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने से लेकर, और तमाम भ्रष्टाचारी उस पे हैं, मतलब अंदर जो है घर में चारा घोटाले वाले भी हैं जिन्होंने खाया, हवाला वाले भी हैं जिन्होंने खाया, शराब पे एक पे एक बॉटल बेची उन्होंने, वो उन्होंने खाया, और बाहर नाम लगा दिया इंडिया। मुझे लगता है हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान समझता है, अंग्रेजों से बनी हुई पार्टी आज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियत सिखाए ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और जानते भी हैं सब। ठीक है, साधना भारती जी आपका जवाब, वो कह रहे हैं कि भाई भारत की बात करें, इंडिया की बात ना करें, क्योंकि असली देश तो भारत में बसता है, और सनातनी नाम हमारा यही है। नहीं नहीं, फिर तो भाजपाइयों का भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा, अंग्रेजों का साथ आजादी से पहले किसने दिया और किस तरीके से इन्होंने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर इनके नेताओं ने झूठी गवाहियां दी। बीच में बौखलाइएगा मत, बीच में मत बोलिए, भारतीय राष्ट्रीय विकास, पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, आप चुप हो जाइए, अपने समय में जो पूछना था पूछ लेते। अच्छा, अब बोलने दीजिए ना, बोलिए आप, नॉर्मल सवाल है, अब सवालों का जवाब आप दे ही रही थी तो इसका भी दे दीजिए, कौन चाय चाय पीजिए, आप मन की बात हो गई, अब जन की बात करने दीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशित गठबंधन, मतलब अब आप ये समझ जाइए कि ये जो 2024 का चुनाव होगा एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय शिवम त्यागी जी को दिल से बधाई देती हूँ, मैं हमेशा उन्हें प्रवक्ता टू कहती थी और मानते नहीं थे अंकल, लेकिन देखिए प्रवक्ता टू आज प्रवक्ता वन बनकर आए हैं, पहले उन्हें मेरी तरफ से बधाई हो। दूसरी बात ये कि जेपी नड्डा जी ने कहा देश विरोधी जब इंडिया बन सकते हैं तो एक राष्ट्रवादी तो राष्ट्रवादी रही जरूरी है, पर शुक्रिया आप
अपने समय में बोलिए ना शिवम त्यागी जी, क्या तरीका है? मैं आपके बीच अब आपने मेरे को बधाइयां दी तो धन्यवाद भी ना कहूं, ये तो गलत होगा ना, ये तो उचित नहीं होगा। मत कीजिए, आपत्ति देखिए ना, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण आ जाएगा तो कट जाएंगे। अब फिर आपको बधाई दी, आपको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आप बिना बात में। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि कहते हैं हम कुनबा जोड़ रहे हैं, भाई कौरवों का कुनबा तो जिन्होंने स्वयं जोड़ लिया है। और 2024 में जो चुनावी महाभारत होगी, जिस तरह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का सारथी बनकर पांडवों को महाभारत का विजेता बनाया था, ठीक वैसे ही जनता श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करके इंडिया रूपी विपक्ष रूपी पांडवों की सारथी बनेगी और हमें चुनावी महाभारत का विजेता भी बनाएगी। अब ये कहते हैं कि जी देखिए ये कैसी बात कर रहे हैं, भारत की बात, इंडिया की बात। अरे भारत को किस तरीके से आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्या भूल गए? यूरोपीय संसद ने जिस समय मोदी जी फ्रांस में दौरा कर रहे थे, विदेशों में ही घूमते रहते हैं, मणिपुर का मां नहीं बोला, और उस समय यूरोपीय संसद ने भारत के की आलोचना की और बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया आलोचना का, उसमें मणिपुर में हुई हिंसा की निंदा की है। शर्म आनी चाहिए आपको। और जिस तरीके से आपने टुकड़े टुकड़े पहले किए पार्टियों के, और मैं तो कहती हूँ पार्टियों की नहीं परिवार के, चाचा भतीजे अलग कर दिए, माँ बेटी अलग कर दी, और उसके बाद उन्हीं टुकड़ों को बटोर बटोर के अपने कुनबे में जोड़ रहे हैं। और सबको पता है भी, हमने आदरणीय दीपक जी अली बाबा के 40 चोर सुने थे, तो मैं तो कहती हूँ 38 दल तो हो ही गए शिवम त्यागी जी, दो और ढूंढ लीजिए, तो अली बाबा के 40 चोरों की पूरी मंडली सामने दिख जाएगी। और जिन्होंने रक्षा सौदों में दलाली खाई हो, बंगारू लक्ष्मण जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की दलाली खाई, और आप ही के पार्टी के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके खिलाफ स्वयं लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिलाया हो, आप ही के नेता थे दिलीप सिंह जुदेव जो कहते थे पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, तो ऐसे भ्रष्टाचारी। और खुद मोदी जी ने भोपाल में कहा था भाई कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी है, क्या हुआ 3 दिन बाद ही गारंटी की हवा निकल गई, जिस तरह मोदी जी की 9.5 साल में गारंटियों की हवा निकली है, और सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुलकर भाजपा ने गंगा मैया समझ लिया अपने आप को, और सारे भ्रष्टाचारियों को अपने कुनबे में जोड़। साधना जी आपने सब बोल लिया, एक बार बताइए मुझे, आपने कहा महाभारत पांडव जनता रूपी कृष्ण, तो मुझे बताइए पांडव तो 5 थे, आप है 26, और दूसरा मुझे बताइए इस महाभारत का अर्जुन कौन है? देखिए ये महाभारत, ये चुनावी महाभारत है आदरणीय दीपक जी, ये तो अर्जुन तो सांसद बताएंगे, और ये अभी जो हमारी तो 11 सदस्य कमेटी भी बन गई है, महाभारत कैसे लड़ लेंगी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, देखिए अर्जुन सामने है ना, ये जितने पार्टियां हैं सब अर्जुन की भांति लड़ाई लड़ेंगे, कृष्ण भगवान की भूमिका में जनता होगी। अब आप पूछेंगे जनता में से श्री कृष्ण कौन होगा, तो ये तो बताना हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाता है, तो मुझे लगता है शिवम त्यागी जी ये बताएं, क्योंकि मोदी जी ने 9 साल में कुछ नहीं किया, उनकी खामियां उनकी उपलब्धियों के आगे पहाड़ की तरह खड़ी हुई है, किसान से लेके महिलाओं से लेके बेरोजगारी से लेके जवाब दे, हर जगह मोर्चे पे फेल रहे हैं, तो मोदी जी के अलावा किसी महिला को सोचा है क्या देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए? कोई है नेता इनके नाम की? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आज तक बनाया नहीं गया, खैर पार्टी का वो बात अलग है। बताइए शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता नंबर 1 बन गया। थैंक यू। देखिए हिंदुस्तान का नाम अंग्रेजों ने रखा था इंडिया, है ना, अब इसी उपनिवेशिक विरासत सोच को जो है ये कांग्रेसी जो है बार बार इनकल्केट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के लिए कांग्रेस होगी, भारत के लिए मोदी है, जनता तय करेगी। यूरोपीय संसद के बारे में बीच में बोलने से प्लीज रोके ना, मैं इसीलिए नहीं बोला था। अब आगे आता हूँ। अरे जैसे को पैसा मिलता है, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके बीच में हर बार बोल के आपको नहीं बोलने दूंगा, उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। आप कैसे नहीं बोलने देंगे? थैंक यू, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बेहतर आवाज रखता हूँ इसलिए नहीं बोलने दूंगा। लेकिन सुनिए 5,000 करोड़ के घोटाले भ्रष्टाचार वाले बताएंगे भ्रष्टाचारी कौन होता है, माँ बेटा दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है वो बताएंगे भ्रष्टाचार कौन होता है, कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव को रखकर बैठे वो बताएंगे भ्रष्टाचारी कैसे होता है, 1 साल जेल काट के डीके शिवकुमार जो जेल में बिठाकर बैठे वो बताएंगे भ्रष्टाचारी कैसा होता है, बताइए ना, ये भ्रष्टाचारी बताएंगे भ्रष्टाचार कौन होता है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है ममता बनर्जी के भतीजे सारे वही तो है, अरे सारे भ्रष्टाचारी ही है एक जगह, इन भ्रष्टाचारियों के लिए ही तो ये डर कैसा है, एक तरफ ममता बनर्जी जिनको लेफ्ट वालों ने मारा पीटा, या दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, एक के पास 38 पार्टी है, एक के पास 26, मेरा कचूबर बन जाएगा। नहीं वो पार्टी एक साथ प्रॉब्लम 26 वाली की है कि उनको आदत है, इसलिए मुझे पूरा चाहिए प्लीज शिवम। थैंक यू। देखिए अब देखिए ना, ये एक अकेला सब पर भारी नहीं है तो क्या है, ममता बनर्जी जो ममता बनर्जी जिनको लेफ्ट वालों ने मारा पीटा बाल पकड़ के खींचा, मुझे आज भी वो तस्वीर याद है जब रॉयटर्स बिल्डिंग में से निकालकर बाहर फेंक दिया था, वही आज अपने भतीजे को बचाने के लिए कह रहे हैं नहीं नहीं सारे मिल जाइए कोई बात नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मुझे मारा पीटा मैं भूल गई,
वही कांग्रेस जिसको दिन रात आम आदमी पार्टी वाले पानी पी पी कर कोसते थे, कहते थे ममता इन पर अगर एक बार भी सोनिया गांधी जी की वो कर ली जाए तो अगस्ता वेस्टलैंड में उनका निकल कर आ जाएगा, वो कहते हैं हमारे दो मंत्री निकाल दीजिए किसी भी तरह से, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो घोटालों का पैसा है, शराब का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, वो सबको बचाना है, नेताओं को बचाना है, जुड़ जाइए। एक अकेला सब पर भारी। और जहां तक 38 की बात है, परिवार है हमारा, परिवार बढ़ेगा जब एक विकासवादी राजनीति होती है तो उसके साथ लोग जुड़ते हैं और लोग जुड़ने भी चाहिए। इनके साथ कौन जुड़ा हुआ? भ्रष्टाचारी सारे के सारे, देखे ना, लालू प्रसाद यादव को ले लीजिए, डीके शिव कुमार को ले लीजिए, ममता बनर्जी के भतीजे को ले लीजिए, कौन नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं भारत ने तय कर लिया है और भारत ये इनको बता भी देगा कि जो अंग्रेजों की सोच लेकर आगे चल रहे हैं, जो एओ ह्यूम की पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं, उनको जवाब मिलेगा। ठीक है, मैं प्रियंका कक्कड़ जी से जवाब ले रहा हूं। मैं इस वक्त देख रहा हूं एनडीए के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त मंच की तरफ जा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी बोलने वाले हैं, मैं वहां से चाहूंगा कि जानकारी निकल आए। नितिन गडकरी जी हमें दिखाई दे रहे हैं, जीतन राम मांझी साहब दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह खासतौर पर बुलाए गए थे, पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा वो दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार दिखाई दे रहे हैं, अजीत पवार के बगल में खड़े हैं एकनाथ शिंदे, और पीछे देखिए अनुप्रिया पटेल दिखाई दे रही है, अपना दल की नेता है, और ये थंबीदुराई एआईएडीएमके के नेता है थंबीदुराई, वो वहां पर है, रामदास अठावले मुझे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर, पल्ली स्वामी भी यहां पर है, नेफ्यू रियो है यहां पर, आप देखिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर यहां दिखाई दे रहे हैं, और देखिए यहां पर अनिल बलूनी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के इंचार्ज हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त एकनाथ शिंदे जी से बातचीत कर रहे हैं तस्वीरों के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं ये पूरा एनडीए का कुनबा, जीतन राम मांझी को नमस्कार करते हुए चिराग पासवान, और आपने देखा चिराग पासवान को आज पीएम ने ज्यादा स्नेह से गले लगाया, ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन मैं सीधे प्रियंका कक्कड़ जी के पास चलता हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, करप्शन बहुत बड़ा इशू बनेगा, आपकी पार्टी तो करप्शन के खिलाफ जंग लड़कर उस रामलीला मैदान में, मुझे पता नहीं आप थी कि नहीं, कम से कम मैं तो मौजूद था, पूरे के पूरे दिनों मौजूद था, रिपोर्टिंग कर रहा था लगातार। जो पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़के, कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ लड़के पहुंची हो, आज उसके दो मंत्री जेल में है और उसी कांग्रेस के साथ वो अलायंस कर रही है क्योंकि उसको लगता है कि बीजेपी खराब है। कहां आपने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया जिसका दम बल के आम आदमी पार्टी आती थी? दीपक जी, हम आज भी करप्शन के खिलाफ है, जीरो करप्शन टॉलरेंस हमारी पॉलिसी रहेगी। भाजपा के पास इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी, ये जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं इनको किसी ने रोका थोड़ी था, लगा लें अब भी, कर लें जांच, इन्होंने क्या किया? अब करप्शन के अगेंस्ट हम क्यों हैं? 70,000 करोड़ का घोटाला बताया अजीत पवार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने, और दो दिन बाद उनको अपनी पार्टी में ले लिया और आज वो फाइनेंस मिनिस्टर है। ऐसे करप्शन खत्म करेंगे देश की? इनको प्रॉब्लम हो रही है इंडिया नाम से, इनको बोलिए मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको सब भारत, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत, ये नाम कर दे, नाम चेंज कर दे। और अभी भी दिक्कत है अगर इंडिया के नाम से तो इनको बोलिए पाकिस्तान चले जाएं। दूसरा सुनिए, आप जो ये जो 38 लोग जो टुकड़े, लाइन मत बोलिए, आपका बहुत बड़ा वोट बैंक नाराज हो जाएगा प्रियंका जी, दोस्त के तौर पे सलाह दे रहा हूं। सुनिए दीपक जी, ये जो 38 लोग मिले हैं, जो चोरों का जमावड़ा लगा है, जो लगातार चोरों का मेला लगा है, उसमें 32 पार्टियां ऐसी हैं, शिवम जी को पूछ लीजिए, पुष्टि कर लेंगे, जिनका ना एक विधायक ना एक एमपी। उनमें जो अकाली दल जिनको जिनकी आरती उतारी जा रही है कि वो आकर इनको समर्थन दे दे वापस, 2019 में अकाली दल ने कहा कि मोदी जी ने उनको स्टेपनी स्पेयर टायर की तरह यूज किया और वो कभी उनको दोबारा देखना पसंद नहीं करेंगे। कल से चर्चित नाम क्या चल रहे हैं? ओपी राजभर जी ने क्या कहा मोदी जी के लिए? उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए कहा कि मोदी जी सांड हैं, जो मूली चर गए, प्याज चर गए, टमाटर चर गए, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं। और कौन है ये चिराग पासवान ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? बोले गिरफ्तार करो सोनिया गांधी को, अभी करो, याद है? अरे वो आप सबसे करप्ट आदमी रॉबर्ट वाड्रा। अरे दीपक जी शिवम जी को इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप सुनिए ना मेरी बात, आपने उनको नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ प्रियंका जी, नौकरी तो करने दीजिए मुझे कम से कम। तो आप अच्छा करिए, आप अपनी नौकरी निभाइए, हम अपनी निभाते। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, शिवम जी ने कहा इनको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है तो इनके अपने स्टार्टअप्स के नाम चेंज कर ले। मैं रिपीट हो जाऊं, मेरे को ये बताने दीजिए इनको कि
जो 428 सीट्स ऐसी है शिवम जी, दीपक जी, इनकी नींद क्यों उड़ी हुई है? क्योंकि 428 सीट्स ऐसी हैं लोकसभा की जिसमें अगर विपक्ष इकट्ठा हो गया तो भाजपा का नामो निशान साफ हो जाएगा, इसलिए इनकी नींद उड़ी हुई है और ये स्ट्रेंथ नंबर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और 38 ऐसी पार्टियां जिसका ना नाम कोई जानता है, ना पहचान कोई जानता है, जिसके ना कोई सांसद, जिसके ना कोई एमएलए, जिसके ना कोई विधायक, सबसे चर्चित ओपी राजभर जी, 6 विधायक वाले, और जो मोदी जी को ऐसा बोले, तो ये इनका हाल हो चुका है और जनता त्रस्त हो चुकी है, देख चुकी है इन्होंने महंगाई के साथ क्या किया। पेट्रोल के प्राइसेस 35 रुपए के थे, आज क्या हो गए? अब जनता इनको सबक सिखाएगी। और इंडिया से कौन सी ताकत कभी जीत पाई है, तो अब भाजपा निश्चित तौर पर हार जाएगी। भाजपा निश्चित तौर पर हार जाएगी। एके वाजपेयी जी क्या कहेंगे? देखिए, नाम बदलने से प्रोडक्ट थोड़ी बदल जाएगा, प्रोडक्ट तो वही रहेगा, चेहरे वही हैं, लालू यादव वही हैं, सोनिया गांधी वही हैं, ममता बनर्जी वही हैं, लालू यादव वही हैं, सजा याफ्ता चारा घोटाले वाले सजा वही है बकायदा इनको। ममता बनर्जी के भतीजे का क्या हाल है वो सबको मालूम है, सोनिया गांधी बेल पे, राहुल गांधी, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि खाली नाम बदलने से क्या हो जाएगा, और नाम भी इन्होंने जो बदला उसके पीछे भी पलीदा लग गया है। देखिए, असली भारत जो है वो गांव में रहता है, और इंडिया का मतलब होता है कि जो इंडिया आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, शहरों का जहां हम लोग हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सड़कें, चमचमाती लाइटें, ये तो मतलब क्या ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे? और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इन्होंने इंडिया वर्ड लिखा हुआ है उसमें, हम भारत की धरोहर की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ सर, और क्या लड़ाई का फर्क है? ये क्या लड़ाई की? लड़ाई तो इसी बात की है ना कि किस धारा में जाना है, इंडिया वाली धारा में जाना है या भारत की संस्कृति वाली धारा में जाना है, और क्या ये झगड़ा है? दूसरी बात है, भारत करेंगे भ्रष्टाचार पे, एक सेकंड, भ्रष्टाचार पे जो है ये मोदी जी की डिक्लेरेशन बहुत पहले से है और आज भी स्टैंड करते हैं। 70,000 की जो बात आप कर रहे हो पिछले हफ्ते की, वो उन्होंने एनसीपी की बात की है, अजीत पवार की बात नहीं की है। अजीत पवार का जहां तक सवाल है, सर, उसके के ऊपर एलिगेशन था अप्रैल में, और एक सेकंड, नहीं, आई एम सॉरी, डोंट मिस गाइड एनसीपी, प्रधानमंत्री, मैं एक मिनट के लिए वाइट पे आपको रोक रहा हूं।